दोस्तों, आज के इस विजुअल बेसिक के सीरीज में आज हम लोग एक नया जो बीबीए का एक नया लेक्चर हम लोग देखेंगे, जिसमें हम लोग यूजर फॉर्म की मदद से लॉगिन पैनल क्रिएट करेंगे। और जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा होगा, जब कभी भी आप किसी भी कंपनी या में काम करते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, तो वहाँ आप लोगों ने देखा होगा आपके आपके रूल का, आपका जो रूल होता है, और उसी रूल के अकॉर्डिंग आपको जो होता है यूज़र आईडी और पासवर्ड दी जाती है। जब आप जैसे सपोज मानिए आप अकाउंटेंट हैं या फिर आप जो होता है एडमिन हैं, तो आपको जो यूज़र आईडी या पासवर्ड दी जाती है, जब आप उससे लॉग इन करते हैं, तो केवल आपका एडमिन या फिर अकाउंट्स के ही रिलेटेड डेटा वहाँ पे शो करता है, और अदर डेटा जो होता है आपको शो नहीं करता है। तो ये काम अगर आपको एक्सेल में करना हो तो आप बीबीए की मदद से बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है यूज़र फॉर्म की मदद से एक लॉगिन पैनल बनाएंगे, और उसमें हम लोग जो है ये रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे कि जिसका जो रूल है केवल उन्हीं का, अगर हम यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट करें तो केवल उन्हीं की ही डाटा हमें मिलनी चाहिए। अदर के लिए जो होता है डाटा नहीं, मतलब जिस तरीके का जो भी यूज़र होगा, हमें जब हम उसका यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट डालेंगे, उसी का डाटा हमें मिलना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको एक डेमो दे देता हूँ, दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में ये हम जो बात कर रहे हैं वो एक्चुअल में है क्या। तो उसके बाद हम पूरा डिटेल में इसको हम देखेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे मैं आपको इसका एक डेमो दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, मैं एक एक्सेल फाइल है जिसको मैं ओपन कर रहा हूँ, तो अभी आप देखिए यहाँ पे क्या दिखाई पड़ता है। अब ये देखिए, यहाँ पे जैसे ही मैंने इस एक्सेल फाइल को क्लिक किया, तो ये यूज़र फॉर्म वन ऐसे, ये आप इसको जो है कुछ और नाम दे सकते हैं, इसका नाम आप जो है यूज़र फॉर्म की जगह जो है आप लॉगिन पैनल भी कर सकते हैं, कुछ भी। तो आप इसको जो है मैं यहाँ से हटा देता हूँ। देखिए यहाँ पे लॉगिन पैनल है। जैसे ही मैं अगर किसी का जो है यहाँ पे नाम मैं अगर डालता हूँ, भी एक मैं लॉगिन आईडी यहाँ पे डाल रहा हूँ, पासवर्ड में ये पासवर्ड आप बाद में हाइड भी कर सकते हैं, मैं अभी आपको बताऊँगा। तो यहाँ जैसे ही देखिए मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे लिख के आ रहा है वेलकम टू अनिल कुमार, और जैसे ही मैं यहाँ पे ओके करता हूँ, तो अभी ये देखिए यहाँ पे ये जो माई विजुअल बेसिक का ये जो एरर कोड आता है दोस्तों, ये एक्चुअल मेरे यहाँ कैप्स लॉक का प्रॉब्लम यहाँ पे देखिए लिख रहा है, मेरे यहाँ कोई बटन में लग रहा है कुछ प्रॉब्लम, इसलिए ये डिबगिंग हो रहा है। तो खैर, इसको हम यहाँ कैंसिल करते हैं, इसे कोई मतलब है नहीं आपका। ये देखिए केवल सीट वन जो होता है मैंने इनके लिए बनाई हुई थी। यहाँ पे देखिए ये लिस्ट मैंने बनाया था, ये अनिल कुमार हैं, ये पंकज सिंह हैं, इनका जो पोजीशन है वो एक एडमिन का है अनिल कुमार का, और ये मैनेजर हैं, जिनका यूज़र आईडी और पासवर्ड मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। और इनके लिए मैंने जो जो सीट पे ये काम करेंगे, अनिल कुमार जो एडमिन है वो केवल सीट वन पे काम करेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं, और जो पंकज सिंह है वो पूरे सीट पे ये एज ए मैनेजर हैं, तो ये पूरे सीट पे यहाँ पे काम कर सकते हैं। इनको जो होता है मैंने इनको पूरे सीट पे काम करने का इसमें अथोराइजेशन मिला हुआ है। तो अभी अनिल कुमार के केवल सीट वन पे ही काम करना के लिए अथोराइजेशन है, तो इसलिए केवल यहाँ पे सीट वन का ही डाटा खुल के सामने आ रहा है। तो दोस्तों, इस तरीके का जो ये लॉगिन है और ये रेस्ट्रिक्शन है, जो आप ये एक्सेल में कैसे बनाएंगे वो हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आज जो हम लोगों का जो टॉपिक है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है अमित, और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने इस चैनल टेक ज्ञान अमित में। यहाँ पर दोस्तों हमेशा नया नया इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको मिलते रहेंगे। अगर आपको विजुअल बेसिक और एडवांस एक्सेल, या फिर जो अभी अब मैं पावर फाइबर की भी सीरीज़ अभी जल्द ही लाने वाला हूँ, तो अगर ये सारी चीज़ें आपको एडवांस लेवल में आपको सब कुछ सीखना है, तो आप मेरे चैनल से जुड़िए, और उसे जो है लाइक कमेंट और शेयर करते रहिए दोस्तों। तो वहाँ पे आपको जो है इससे क्या होगा कि मुझे जो है मोटिवेशन मिलेगा, और मैं आईसी तबला वगैरह लगाए थे वो एक बार यहाँ से हटा देते हैं, और 1 2 3 कर लेते हैं। तो जो भी यहाँ पे फॉर्मूला है वो एक्चुअल में यहाँ भी काम नहीं कर रहा है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, एक तो हम आपको समझाने के लिए, एक्चुअली यहाँ पे मेरा सिस्टम के कैप्स लॉक का प्रॉब्लम है, तो ये इसलिए हो सकता है कि कैप्स लॉक का बार बार मेरे को मैसेज कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये अभी यहाँ पे हम लोग मान लीजिए कि इसके लिए एक दूसरा मैंने सीट यहाँ पे ओपन कर ली है, आप इसे देख सकते हैं, हो सकता है इसका मैंने पहले से वीडियो भी बना के रखा हुआ था। तो फिलहाल हम यहाँ कोड की बात करते हैं। कोड के लिए पहले वहाँ से एक डाटा ले लेते हैं, ये वाला, जिससे आपको पता चले कि एक्चुअल में हम जो होता है किस सीट के किस के लिए, इसको भी यहाँ से हम पेस्ट कर देते हैं, ये देखिए। तो फिलहाल आपको इस सीट पे नहीं जाना है, बस हमको यहाँ पे कोडिंग लिखना है, और आपको समझाना है कि एक्चुअल में आप
सीट को अकॉर्डिंग टू पोजीशन कैसे आप लॉक कर सकते हैं, और केवल वही यूजर आईडी यूजर जो था उसे खोल पाए जिसके लिए वो अथराइज हो। तो अब यहाँ कोड लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोगों को डेवलपर ऑप्शन में जाना है। डेवलपर ऑप्शन ये बाय डिफॉल्ट नहीं होता है, इसके लिए मैंने पिछले आपके बीबीए के बहुत सारे वीडियोस में मैंने बताया है कि आप डेवलपर टैब यहाँ पे कैसे लगा सकते हैं। अगर आपके पास डेवलपर टैब नहीं है तब भी आप अपने कीबोर्ड से Alt F11 प्रेस करके भी आप विजुअल बेसिक के विंडो में जा सकते हैं। तो फिलहाल मेरे पास है, मैं यहाँ डेवलपर टैब में जा करके विजुअल बेसिक ऑप्शन में क्लिक कर लेता हूँ और ये आपका विजुअल बेसिक का ये विंडो ओपन हो चुका है। इसके लिए फिर आपको करना क्या है, यहाँ से एक इंसर्ट ऑप्शन में जाना है और ये यूजर फॉर्म आपको यहाँ से ले लेना है और इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। अभी आपको मैंने दिखाया था जैसे कि वीडियो में, जैसे ही मैं एक्सेल फाइल पे क्लिक करता हूँ तो वो एक्सेल फाइल नहीं खुलती है, ये यूजर फॉर्म खुल के आता है। तो इसके लिए हमें क्या कोडिंग करनी होगी ये हम देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी वर्कबुक में जाना है, दिस वर्कबुक पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप देखिए जनरल सेलेक्ट है, तो इसको आपको वर्कबुक सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पे एक छोटा सा कोड लिखना है, वो देख लीजिए, एप्लीकेशन डॉट विजिबल इज इक्वल टू फॉल्स। अभी मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा इसका क्या मतलब है, और उसके बाद आपको जो है यहाँ पे दूसरा काम क्या करना है, जो आपका यूजर फॉर्म है जो अभी हम लोगों ने वहाँ पे लिया था वो वहाँ पे शो करना है। यूजर फॉर्म वन, उसका नाम है यूजर फॉर्म वन डॉट शो, ये मुझे शो करना है। तो अभी ये क्या है, एप्लीकेशन मतलब आपका जो एक्सेल है, एक्सेल फाइल वो जो था खुलेगी लेकिन वो दिखाई नहीं देगी, मतलब वो हाइड हो जाएगी, मतलब आप समझ लो ये बंद हो जाएगी। पहला कोड है एप्लीकेशन डॉट जो विजिबिलिटी है वो फॉल्स हो जाए, मतलब वो हमको दिखाई ना पड़े, वो नहीं दिखाई पड़े। और दूसरा ये है यूजर फॉर्म वो डॉट शो, मतलब यूजर फॉर्म जो आपका जो लॉगिन पैनल जो हम जिस पे बनाएंगे वो हमें दिखाई पड़े। तो इसकी आपको वर्कबुक में, दिस वर्कबुक में ये आपको लिखना है। और उसके बाद अब हम जो होता है चलते हैं अपने यूजर फॉर्म में और वहाँ पे हम लोग कोडिंग करते हैं। तो इसके लिए फिर से हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे, इससे पहले सर मैंने यूजर फॉर्म में मैंने इसका तो इसको कैसे बनाएंगे वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। यूजर फॉर्म के लिए आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे लेबल्स लेना है, लेबल्स आपको यहाँ पे क्रिएट करने हैं, दो लेबल क्रिएट करना है, एक यूजर आईडी एक पासवर्ड, ये देखिए। और फिर यहाँ से एक आपको टेक्स्ट बॉक्स लेना है जिसमें हमें वो सारे पासवर्ड आपको यहाँ एंटर करने हैं, ये रहा। इसको कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल सी के साथ कंट्रोल वी कर लीजिए तो ये पेस्ट भी हो जाएगा, और यहाँ से हम लोग इसे पेस्ट कर लेंगे, ये रहा। और इसके बाद अब हम यहाँ पे कमांड बटन को ले लेते हैं जिससे कि प्रेस करने पे हमें लॉगिन करने पे लॉगिन हो या फिर कैंसिल करने पे ये मेरा पूरा कैंसिल हो जाए। तो इसके लिए यहाँ पे हम दो कमांड बटन ले लेते हैं, ये कमांड बटन वन और कमांड बटन टू, ये देखिए। तो अभी आप चाहें तो ये जो यूजर फॉर्म वन है अब इसका भी नाम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, इसके लिए आपको यूजर फॉर्म वन को सेलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे इसका नेम आ रहा है, आप इसको बदल भी सकते हैं। अगर आप इसे बदलते हैं तब आपको जो वर्कबुक में जो यूजर फॉर्म वन डॉट शो लिखा है तो यहाँ पे जो ये नाम आप लिखेंगे वो नाम वहाँ पे डॉट शो करना होगा। तो फिलहाल अभी हम लोग क्या करेंगे कि हम इसको जो है ज्यों का त्यों रहने देते हैं। तो अब हम यहाँ पे पहले जो ये लेबल वन और लेबल ये जो लेबल वन दो है और ये कमांड बटन, इसका पहले हम नाम चेंज कर लेते हैं। तो अभी अब चलते हैं, पहले लेबल वन को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे कैप्शंस होता है, कैप्शन में आप जो भी नाम लिखेंगे वो यहाँ पे शो करेगा। तो इसके लिए पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं लॉग इन आईडी, ये देखिए लॉग इन आईडी, जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे वो नाम यहाँ आ जाएगा। सेम इसी तरीके से ये दूसरे वाले को भी सिलेक्ट करना है और यहाँ पे लिख देना है अभी पासवर्ड। इसे आपको दोनों दो दो तरीका आप सीख जाएंगे, एक तो आप लॉग इन आईडी का पैनल कैसे तैयार होता है वो भी जान जाएंगे और रेस्ट्रिक्शन कैसे लगाना होता है अकॉर्डिंग टू यूजर यूजर के अकॉर्डिंग वो भी आप यहाँ पे सीख जाएंगे। तो यहाँ पे हम जो होता है पासवर्ड भी हो चुका है। अब इसका जो होता है फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए आपको दोनों एक ही साथ सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि इससे क्या होगा एक ही बार में हमारा सारा काम हो जाएगा, आप अलग अलग भी इसे कर सकते हैं। तो अब इसे जो है बैक कलर आप इसमें इसका कोई कलर भी देना चाहते हैं, बैकग्राउंड में कोई कलर देना चाहते हैं तो आप यहाँ से बैक कलर में जाना है और यहाँ पे
क्लिक करना है और ये पैलेट ऑप्शन में चले जाना है। इसके बाद आप यहाँ से किसी भी कलर को आप सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ हो गया। अब उसके बाद फॉन्ट में ये देखिए फॉन्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको जाना है। उसके बाद फॉन्ट स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ फॉन्ट में टाइम्स न्यू रोमन और फॉन्ट स्टाइल में बोल्ड और फॉन्ट साइज में इसको 16 ले लेता हूँ और अंडरलाइन कर लेता हूँ। यहाँ से इसे ओके कर देना। तो अभी ये देखिए आपका साइज भी चेंज हो चुका है और ये पूरा एकदम अंडरलाइन भी हो चुका है। तो अभी आप इसे चाहें तो आप सेंटर भी कर सकते हैं। सेंटर करने के लिए आपको सीधे नीचे आना है, यहाँ टेक्स्ट अलाइनमेंट है, आपको यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इसे यहाँ पे देखिए टेक्स्ट अलाइन सेंटर है, अब इसे सेंटर भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया है दोस्तों यहाँ पे काम, और अब हम करते हैं इसका दूसरा। इसको थोड़ा सा हम बीच में रख लेते हैं जैसे ये बराबर हो गया। अब क्या करना है, इसका भी हमें नेम चाहिए, लॉगिन के लिए हमें बनाना है। फिर आपको कैप्शंस में जाना है और उसका नाम चेंज करना है लॉगिन। इसी तरीके से इसका भी चेंज कर लेना है, कैंसिल या क्लियर आप जो भी लिखना चाहें। इसके आपको कैप्शन में दोस्तों, आप कैप्शन का मतलब वो होता है जो भी नाम आप यहाँ लिखेंगे कैप्शन में वो आपको वहाँ पे शो करेगा। तो अब इसे हम कैंसिल कर देते हैं। तो दोस्तों आप इसका चाहें तो थोड़ा सा साइज भी बढ़ा सकते हैं। आप दोनों को एक साथ सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे बैक कलर में आप जो भी कलर देना चाहें, इसको थोड़ा सा हम लोग कलर भी कर देते हैं और इसका भी कलर मैं देता हूँ और इसका फॉन्ट में जाकर के इसके थोड़े से चेंज करता हूँ, टाइम्स न्यू रोमन बोल्ड और इसका साइज देता हूँ 12 और ओके। तो अभी ये आपका ये इस तरीके से ये लॉगिन पैनल बन गया है। अभी क्या करना है कि जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करें, अभी आप यहाँ पे कुछ भी क्लिक करेंगे देखिए कोई काम नहीं कर रहा, और जैसे ही आप यूजर फॉर्म में हम चलते हैं तो अगर इसे कैंसिल भी पे भी अगर आप क्लिक करेंगे तो भी काम नहीं करेगा। अगर आप चाहें तो इस यूज़र फॉर्म का जो ये कलर है इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। यूज़र फॉर्म को इसके लिए सेलेक्ट करना है और बैक कलर में वो जाना है और यहाँ से आपको फिर से पैलेट में जाना है। अब यहाँ कोई आप कलर देना चाहें आप दे सकते हैं, ये देखिए कोई आप दूसरा कलर भी देना चाहते हैं तो आप दोबारा से यहीं से जाके आप कलर इसका चेंज कर सकते हैं। ये लीजिए अभी हम इसका ब्लू कर देते हैं। तो ये अभी आपका यहाँ पे चेंज हो गया है। तो अब क्या करते हैं, अब इसमें हम क्या करें कि जैसे ही हम लॉगिन पे क्लिक करें तो मेरा जो है लॉगिन के लिए लॉगिन हो या फिर अगर पासवर्ड गलत हो तो ये हमें वो चीज़ें बताए। तो इसके लिए हम यहाँ लॉगिन पे हम डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम वो कोड लिखना शुरू करेंगे। कोड कैसे लिखेंगे वो थोड़ा सा आप देखिए कि इफ़ फंक्शन से हम स्टार्ट करेंगे। इफ़ एक चीज़ और मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, यूज़र फॉर्म में इसके लिए चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, इसका नाम है टेक्स्ट बॉक्स 1, यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स 1, इसका नाम क्या है टेक्स्ट बॉक्स 2। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो हम इस इफ़ स्टेटमेंट के साथ यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं, इफ़ टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। वैसे ये बहुत सिंपल है, आपको इतना तो पता ही होगा मैं क्या लिख रहा हूँ। टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो भी टेक्स्ट है वो क्या होना चाहिए, सीट्स डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। अगर आपने मेरा बीबीए का छोड़ा अगर पहले भी कुछ वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने ये सब चीज़ें बताई हुई हैं कि अगर आपको जो है सीट का कोई भी नेम देना है या फिर रेंज देना है तो आपको कैसे लिखना है। सीट में जो भी सीट्स में जो मेरा सीट 1 है, क्योंकि जो भी डेटा है वो मेरा सीट 1 में, आप इसे देख भी सकते हैं ये सीट 1 में मेरा ये है यहाँ पे, और ये सारा डाटा सीट 1 में ही है। तो हमें सीट्स 1 में जो भी है वो रेंज हमें यहाँ पे देना है जहाँ पे वो यूज़र आईडी और पासवर्ड है। रेंज क्या है मतलब अभी हम जो टेक्स्ट बॉक्स 1 में लिख रहे हैं जो कि मेरा यूज़र आईडी का है, यूज़र आईडी, और ये कहाँ पे लिखा हुआ है सीट में, सीट 1 में, सीट 2 में, रेंज सीट 2, ये देखिए, और ब्रैकेट को करना है क्लोज। उसके बाद एंड फंक्शन लगाना है क्योंकि अभी मुझे दूसरी कंडीशन देनी है। अगर आप बीबीए सीख रहे हैं तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारी चीज़ें तो इफ और एंड या फिर इफ और आदि सब चीज़ों का आपको पता होगा। तो हम यही सोच के चल रहे हैं, तो एंड के साथ अभी यहाँ दूसरी कंडीशन लिखेंगे, इफ सॉरी टेक्स्ट बॉक्स 1 टेक्स्ट बॉक्स सॉरी 2 डॉट टेक्स्ट। जो अब हम यहाँ दूसरी कंडीशन लेंगे, ये तो होगा यूज़र आईडी के लिए जो टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो भी मेरा
यूज़र आईडी जो भी हम लिखेंगे, उसके बाद जो था टेक्स्ट बॉक्स टू में, अब मेरा ये पासवर्ड के लिए है, तो पासवर्ड के लिए अगर टेक्स्ट बॉक्स वन टू में जो भी टेक्स्ट हो वो मेरा सीट्स डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सीट टू, सॉरी सीट वन डॉट रेंज, अभी ये पासवर्ड किस में है, डी टू में, तो यहां हम लिखेंगे डी टू। ये मेरा एक कंडीशन हो गया, सॉरी यहाँ अभी आपको देन भी देना होगा, क्योंकि इफ के साथ बाद हमें यहाँ देन भी देना होता है, आपको ये पता होना चाहिए। तो अब ये जो मेरा कंडीशन है, अगर टेक्स्ट बॉक्स वन में जो भी टेक्स्ट है वो सीट वन के रेंज सी टू के बराबर है, पहला कंडीशन। दूसरा, और अगर टेक्स्ट बॉक्स टू में जो भी टेक्स्ट हो वो सीट वन के ई टू के बराबर होगा, तब हमें क्या करना है, तब हमें क्या करना है, हमें एक मैसेज बॉक्स लेनी। अगर ये दोनों कंडीशन मेरा ट्रू होती है तब हमें क्या करना है, तब हमें एक मैसेज बॉक्स लेनी है और यहाँ पे लिखना है डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर वेलकम अनिल कुमार, वेलकम अनिल कुमार, डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज और ब्रैकेट को कर देना है क्लोज। तब हमें एक मैसेज आनी चाहिए कि जिसमें वेलकम का मैसेज हो, अनिल कुमार आपका स्वागत है। उसके बाद फिर हमें क्या करना है वो हम देखते हैं। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, आपका जो एप्लीकेशन है जो आपका वो आपको जो एक्सेल फाइल है वो खुल जानी चाहिए। तो इसके लिए फिर से हम लिखेंगे एप्लीकेशन डॉट विजिबल इक्वल टू ट्रू, मेरा जो एप्लीकेशन है वो खुल के आ जानी चाहिए। उसके बाद जो उसमें अभी एक काम और कर देते हैं, यहाँ पे देखिए अभी ये सब कोई सारी सीटें खुल रही हैं, लेकिन हमें क्या करना है कि जब हमारा यूज़र जब लॉगिन करे तो केवल सीट वन खुलनी चाहिए, सीट टू और सीट थ्री नहीं खुलना चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसे पासवर्ड दे देते हैं जिससे इसे कोई खोल ना पाए और ये बिल्कुल प्रोटेक्ट हो। तो यहाँ पर हम प्रोटेक्ट, यहाँ से रिव्यू में जा करके प्रोटेक्ट वर्कबुक में जाते हैं और यहाँ पर हम अपना पासवर्ड दे देते हैं, यहाँ पर अपना पासवर्ड अपना ही नाम दे देते हैं जैसे अमित, और ओके करते दोबारा यही पासवर्ड मुझे दे देनी है, फिर यहाँ से मैं ओके कर देना तो ये पासवर्ड यहाँ पे अब लग गया है। तो फिर से अब हम अपने विजुअल बेसिक में जाते हैं और अभी हम अपने वर्कशीट को जो होता है जो भी पासवर्ड है उसे हमें जो होता है अनप्रोटेक्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या यहाँ पे लिखेंगे, अब ये जो हमने वर्कशीट खोल ली है, मतलब ये मेरा जो एक्सेल खुला, ये मेरा एक्टिव वर्कबुक हो जाएगा, एक्टिव वर्कबुक, एक्टिव वर्कबुक डॉट अनप्रोटेक्ट। अभी मुझे अनप्रोटेक्ट करना है, क्या अनप्रोटेक्ट करना है, ये जो भी मेरा पासवर्ड है, मेरा पासवर्ड क्या है, अमित वीरा। उसके बाद ये तो हो गया, पासवर्ड से मेरा खुल जाए, और जैसे ही मेरा पासवर्ड से अनप्रोटेक्ट हो उसके बाद सारी सीटें खुल जानी चाहिए। तो उसके बाद सीट्स डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर सीट वन डॉट विजिबल इक्वल्स टू, अब मेरा जो तो सारे सीट यहां से खुल जाने चाहिए, इक्वल्स टू ट्रू, और इसी को हम दोबारा से कॉपी कर लेते हैं। क्या होगा कि इसे बार बार लिखना नहीं होगा और टाइम भी बच जाएगी। मेरे तीन सीट यहां पे है तो तीनों सीट के लिए मैंने यहां पे कर लिया, लेकिन ये जो अनिल कुमार हैं आप यहां देख सकते हैं, ये एडमिन है और इनके लिए केवल अथॉरिटी है सीट वन पे ही काम कर पाए, तो हम इनके सीट वन के लिए इनको हम बोल दे देते हैं केवल ये सीट वन पे ही काम कर पाए, बाकी सारी सीट जो होता है हाइड हो जाए। ये देखिए सीट वन पूरा जो विजिबल होगा और बाकी दो सीट जो होता है यहाँ पे हाइड हो जाएंगे। उसके बाद जो पासवर्ड है जिससे अभी हमने अनप्रोटेक्ट किया था वो प्रोटेक्ट, जो उसे दोबारा से हमें प्रोटेक्ट कर लेना है, एक्टिव वर्कबुक डॉट प्रोटेक्ट स्पेस पासवर्ड, पासवर्ड कॉलन के साथ अपना वो जो पासवर्ड है आपको यहां पे दे देना, आप पासवर्ड कुछ भी रख सकते हैं, ये मैंने आपको एग्जांपल के लिए यहां पे समझाया। और ये यहाँ पे फिर से पासवर्ड लग जाए
आप दूसरी, और जो हमारा जो लॉगिन पैनल हो वो भी हट जाए, इसके लिए यहाँ पे हम लिख देते हैं अनलोड मी, ये होगा एक कंडीशन। अब बात करते हैं दोस्तों कि अभी मेरे पास यहाँ पे दूसरा भी कंडीशन है जो कि पंकज सिंह के लिए है। पंकज सिंह के लिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, ये बस आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली ये पूरे जितना भी आपने कोडिंग लिखी हुई है इसको कॉपी करना है। यहाँ पे आपने एंड सब कर लिया है, बस आपको यहाँ पे कंट्रोल बी कर लेना है। और यहाँ पे अभी आप जो ये रेंज है ये चेंज करें, क्योंकि अभी आप पंकज सिंह का जो भी यूजर आईडी पासवर्ड है वो C3 और D3 में है, तो हम यहाँ पे सिंपली C2 की जगह C3 कर लेते हैं और D2 की जगह यहाँ पे हम D3 कर लेते हैं, ये रहा। और यहाँ पे अभी अनिल कुमार की जगह हम लिख लेते हैं पंकज सिंह, ये रहा। और ये मैंने यहाँ पे दो कंडीशन दे दी हैं कि अगर आपका ये वाला कंडीशन एंड सब आपको यहाँ से हटा देना है, ये मैंने यहाँ पे एक कंडीशन दी है कि इफ टेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट, यहाँ पे एंड सब रहने ही देते हैं, अभी हम लोग एक बार चेक भी कर लेंगे एक्चुअल में रिजल्ट क्या आ रहा है। तो यहाँ पे ये पहला कंडीशन हो गया, अगर ये दो जो C2 और D2 के बराबर अगर होता है तो वो वेलकम अनिल कुमार करे, और सारे जो पासवर्ड हैं वो मेरा एक्सेल फाइल खुल के आए और जो भी पासवर्ड है वो अनप्रोटेक्ट हो जाए और केवल एक ही सीट यहाँ पे खुल के आए और बाकी सारी सीट हाइड हो जाए और दोबारा से पासवर्ड लग जाए और लॉगिन पैनल मेरा जो होता है वहाँ से हट जाए। और ये जो कि अभी ये पंकज सिंह है जो कि मैनेजर है, तो इनके सारी सीट पे काम करना है, तो ये सारी सीट के लिए इनको अथॉरिटी दे देते हैं, जहाँ पे फॉल्स है वहाँ पे हम सब ट्रू कर देते हैं। तो अभी ये यहाँ पे इसका पासवर्ड हो गया है। अब तो हमने यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे ये कर लिया है, अगर ये कंडीशन मैच नहीं खाती है तो उसके लिए भी तो हमें यहाँ पे कुछ देना होगा, ये तो अभी यहाँ पे जब कंडीशन सारी मैच करती है तो उसके लिए है। अब कंडीशन मैच अगर नहीं करती है तो क्या करेंगे, एल्स, एल्स में लिखेंगे टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, सारे अगर गलत पासवर्ड होगा तो वो यहाँ से हट जाएगा, पूरा जो भी टेक्स्ट वहाँ पे लिखे जो भी वो हम लिखेंगे सब हट जाएंगे, और टेक्स्ट बॉक्स टू का भी सेम यही काम करना है, सारे यहाँ से हटा देने हैं। और यहाँ पे हट जाने के बाद यहाँ पे जो कर्सर है वो मेरा कर्सर जो होता है टेक्स्ट बॉक्स वन में चला जाए, तो वहाँ पे मतलब उस बॉक्स वन पे फोकस कर ले, तो यहाँ टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट सेट फोकस। और उसके बाद एक मैसेज भी आया, मैसेज में क्या आना चाहिए, मैसेज बॉक्स ब्रैकेट ओपन कीजिए यूजर आईडी और पासवर्ड इनवैलिड डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही लिखना है, आपको यहां से डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा लेना है और ब्रैकेट को कर लेनी है क्लोज। तो ये दोस्तों यहाँ पे आपका बन गया, और हम इसे थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते कुछ, यहाँ पे ये पूरा काम हो चुका है आपका। अब यहाँ पे आपको जो है फिर से लिखना होगा एंड इफ, जब आप इफ लगाते हैं तो लास्ट में आपको एंड इफ लिखना पड़ता है, और ये जो एंड सब है इसको आपको यहाँ से हटाना है और इसको करना है कंट्रोल एक्स और यहाँ सबसे नीचे लाके कर देना है कंट्रोल वी। तो अभी हम एक बार इसे रन करा के देख लेते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, आइए इसको रन कराते हैं। ये देखिए लॉग इन पैनल खुल के आ रहा है, तो अभी ये अनी है, आप इसके जो है पंकज सिंह है, किसी का भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे मैं पंकज सिंह का ही करके देखता हूँ, PAN12 और ये 1 2 3 4 5 6 लॉग इन करते हैं। बैक ब्लॉक इफ विदाउट एंडिंग, यहाँ पे अभी देख लेते हैं हम एंड इफ एंड सब, एक मिनट यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, एक लोड मी एल्स एंड सब।
एक बार इसे दोबारा से करके देखते हैं। अभी वेलकम पंकज सिंह, देखिए यहाँ पे आ रहा है। वहां पे क्या प्रॉब्लम आ रही थी, वहां पे हम लोग ऊपर में एंड इफ नहीं लिखे थे। तो अभी आपको क्या करना है, एक बार इसे दोबारा से करके देखिए, रन करते हैं इसको हम। और यहाँ पे अभी हम पासवर्ड डालते हैं PAN12, और यहाँ पे यूजर आईडी डालते हैं, ये देखिए लॉग इन। तो जैसे ही अभी देखिए आप लॉग इन कर रहे हैं, वेलकम पंकज करके यहाँ पंकज सिंह आ रहा है। अभी एक चीज आप यहाँ पे देख रहे होंगे, जब हम लॉग इन करते हैं तो वहाँ जो पासवर्ड है वो भी शो करता है, तो अब इसे आप हटा भी सकते हैं। इसके लिए आप टेक्स्ट बॉक्स जो आपका पासवर्ड वाला जो बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स 2, उसको सेलेक्ट करना है और यहाँ से कैटेगराइज्ड ऑप्शन में जाना है। और यहाँ से आपको यहाँ पे आप देखिए पासवर्ड करेक्टर करके आता है, यहाँ पे इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे स्टार दे देना है। और यहाँ पे स्टार देने के बाद अभी आप इसे सेव कर, सेव करने के बाद अभी आप इसे एक बार दोबारा रन करके देखिए। अब इसे हम जो है दोबारा रन करते हैं एक बार, तो यहाँ पे अभी इसे एक काम करते हैं, अभी रन करने से पहले इसको हम एक बार सेव कर लेते हैं, और सेव करके हम लोग इसे दोबारा रन करते हैं। और यहाँ से इस फाइल को हम जो है एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक में रखते हैं, सेव एज करते हैं और डेस्कटॉप पे ले चलते हैं। और इसका नाम दे देते हैं कुछ भी, लॉग इन आई डी, लॉग इन आई डी। और यहाँ पे एक्सेल वर्कबुक की जगह आपको एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक कर लेना है और यहाँ से कर देनी है सेव। तो ये आपका लॉग इन आई डी के नाम से सेव हो चुका है। इसे हम कर देते हैं यहाँ से क्लोज, और इसको भी हम कर देते हैं यहाँ से क्लोज। अब हम दोबारा लॉग इन आई डी पे चलते हैं क्लिक करते हैं, तो अभी आप देखिए क्या होता है। ये देखिए आपका लॉगिन पैनल खुल के आ रहा है। अभी आप एक भी पासवर्ड डाल के देखिए, PAN12 और 123456, देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं शो कर रहा, तो वेलकम पंकज के नाम से आ रहा है। और ये सारी सीट देखिए यहाँ पे खुल के आ रही है, ये देखिए यहाँ पे सारा। तो अभी ये पूरी तरीके से काम कर रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ पे अभी आप जाएं डेवलपर ऑप्शन में और विजुअल बेसिस पे जाएं, और ये आप अगर यूजर फॉर्म 1 पे जा करके अगर आप कैंसिल बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अभी यहाँ पे हमने कोई कमांड नहीं दी। यहाँ पे भी हम कमांड दे देते हैं, अगर आप इस पे क्लिक करें तो ये जो आपका यूजर पैनल है वो हट जाए। तो इसके लिए यहाँ कर देते हैं अनलोड मी, तो ये दोस्तों यहाँ पे हो गया है। तो इसको भी हम लोग यहाँ से सेव कर लेते हैं, सेव करने के बाद इसे दोबारा क्लोज कीजिए और फिर से क्लोज कीजिए। और यहाँ हम देखते हैं कि अभी ये काम कर रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे दोबारा डालते हैं ANI ANY12 और पासवर्ड डालते हैं 123456। अगर मैं कैंसिल पे इसे क्लिक करता हूँ तो ये आपका ये यूजर फॉर्म जो होता है यहाँ से हट जाएगा। अगर दोबारा इसे हम खोलते हैं और इसे सेव करते हैं एक बार, और दोबारा से हम खोलते हैं देखते हैं। एक चीज मैं आपको और दिखाना चाह रहा था कि अगर आप पासवर्ड में अगर कुछ गलत डालते हैं तो आपको क्या मैसेज आएगा, ये भी हम देख लेते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने कुछ भी डाल दिया और पासवर्ड में भी हमने कुछ डाल दिया, अगर हम लॉग इन करना चाहें तो उस कंडीशन में देखिए क्या, यूजर आईडी और पासवर्ड जो होता है इनवैलिड बताएगा और आपका जो कर्सर है वापस जो होता है टेक्स्ट बॉक्स 1 में पहुंच जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप एक यूजर फॉर्म लॉगिन, यूजर आईडी लॉगिन बना सकते हैं और आप अपनी इच्छा अनुसार जो होता है सीट में रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, केवल जिस यूजर को आप ऑथराइज करेंगे वही उसको एक्सेस कर सकता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज पाने के लिए मेरे साथ इस चैनल पर बने रहिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।